मेरे सामने आज है अंश मिश्रा जी। ये अंश मिश्रा, इनका उम्र मात्र अभी 7 से 8 साल है और इनके अंदर कलाकारी कूट कूट के भरा हुआ है। ये लालू यादव का सेम टू सेम आवाज़ निकाल लेते हैं, नरेंद्र मोदी का निकाल लेते हैं और ये शाहरुख खान का, मतलब मैं कितना गिनाऊँ, मैं इतना गिना नहीं पाऊँगा जितना निकाल लेते हैं। तो इनसे ही आज थोड़ा बहुत मिमिक्री इनका सुनते हैं और इनका कुछ गाना भी लॉन्च हुआ है, उसके बारे में भी कुछ जानकारी लेंगे। और इनको छोटे उम्र में ही भोजपुरी फिल्म का ऑफर मिला है पवन सिंह की तरफ से। अंश मिश्रा जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत धन्यवाद मेरे इंटरव्यू लेने के लिए, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। चलिए देखिए, इनका जो मतलब अभी से ही इनके अंदर पूरा वो चीज़ बढ़ चुका है जो एक कलाकार में होता है। अच्छा अंश जी, आप किस किस का आवाज़ निकाल लेते हैं, कितने कलाकारों का निकाल लेते हैं? मैं 75 प्रकार के आवाज़ निकालता हूँ, अभिनेताओं की, नेताओं की, जानवरों की और पक्षियों की। बहुत ही बन करता। अच्छा, मैं सुना कि आप जब आवाज़ पक्षी का निकालते हैं तो कौआ का निकालेंगे तो कौआ में डरने लगेगा, ये सही बात है? जी जी। यहाँ तो आएगा नहीं अभी स्टूडियो में? यहाँ तो हम स्टूडियो में, तो यहाँ कैसे है। अच्छा, थोड़ा एक बार आप जो शाहरुख खान का मिमिक्री निकालिए और उनके बारे में बताइए कि उनका आवाज़ कैसा लगता है। अच्छा लगता है। अच्छा ठीक है, तो आप बताइए शाहरुख खान का आवाज़ निकालिए। काजल तुम मिश्र का मजा ना नहीं। और सभी प्रकार, सभी सभी नेताओं के, अभिनेताओं के, जानवरों के और पक्षियों के एक एक करके मैं मिमिक्री सुनाऊंगा। तो नेताओं में लालू यादव जी कैसे बोलते हैं? बैग पकड़ा मारंगल पर हजार पर अलग अलग सोने में ढाका बरम कलकत्ता चला आए बोल रहा हूँ। जब तक रहेगा समोसे में आलू, तब तक रहेगा बिहार में लालू, बिहार में लालू बोला के स्मार्ट सिटी बनाएंगे। लालू को स्मार्ट सिटी नहीं चाहिए, स्मार्ट गांव चाहिए, स्मार्ट गांव चाहिए। भाई बनो बुजुर्ग आए बुजुर्ग बुजुर्ग, अरे मोदी जी जा ठीक से बोलिए, अरे का नस फट रहा है। ये आप मिमिक्री करते हैं तो कभी लालू यादव जी का फोन नहीं है आपके पास? नहीं, उनके बेटे तेज प्रताप यादव जी से मिले, तेज प्रताप अंकल से मिले। बहुत अच्छा पूछ रहे थे कि आप आवाज़ निकालते हो तो चबासी दे रहे थे क्या? हाँ, मैंने हम अपना कला दिखाए, वो अपना कला दिखाए, वो बांसुरी बजा कर दिखाए, हम मिमिक्री करके और गायकी अपना दिखाए। अच्छा, अखिलेश यादव का भी निकाल लेते हैं और योगी आदित्यनाथ का? योगी जी का अभी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, उनका थोड़ा सा भारी आवाज़ है तो मेरा स्केल उतना नहीं पहुँच पाता है, पर अखिलेश यादव जी का हो जाता है। निकालिए एक बार। भाई मैना, मैंने कहा अगर आपकी फिल्म में कहीं विकास करना हो तो मेरे लखनऊ में आइए, लखनऊ में विकास नहीं दिखता, अपने बेटे का नाम विकास रखिए, फिर आपको आंगन विकास दिखने लगेगा। जब बेटे का नाम विकास रखिए। हाँ, बेटे का नाम विकास रखिएगा तो आंगन में विकास दिखने लगेगा। मतलब बेटे का नाम विकास रखिएगा तो आंगन में दिखने। चलिए, ये अपना मिमिक्री कर रहे हैं, आप लोग इसे सीरियस मत लीजिएगा। और इनका उम्र देखिए, मतलब अभी, और इनके एक भाई साहब है इधर, आप भी कुछ बोलिएगा, एक बार थोड़ा कैमरा घुमाइए उधर। ये इनके भाई साहब है, आपका नाम क्या है? उज्जवल मिश्रा। आपके आपके अंदर क्या कलाकारी है? तबला बजा लेते हैं। कुछ गाना वाना गाते हैं? नहीं नहीं गाते हैं। स्टूडियो आप ही लोग का है? स्टूडियो करण सर का, हम दोनों भाई साथ में एक गाना गाए हैं। अच्छा, साथ में आप लोग गाना गाइएगा। आइए थोड़ा पीछे ले जाइए कैमरा। चलिए, दोनों भाई का गाना सुनिए, ये वायरल है और ये अभी पढ़ रहे हैं। आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं ना दोनों? दोनों भाई वायरल है, पहले जब इसका पहले लाइन जिसमें जिस पर ये बताइए कि बड़ा आप है कि आप है, कौन बड़ा है? बड़ा हम है। तो एक बार खड़ा होइए तो नीचे, थोड़ा पीछे ले जाइएगा मेरा। अच्छा देखिए, इनका हाइट थोड़ा कम है, इनका हाइट थोड़ा ज़्यादा है और ये बड़े हैं। आप कितने साल के हैं? मैं 8 साल का हूँ। आप कितने साल के हैं? 7। अच्छा, आप किस क्लास में? 2। आपका नाम? उज्जवल मिश्रा। अच्छा, ये अभी 7 के हैं और ये 8 साल के हैं। चलिए ठीक है, इन दोनों का एक मिक्स गाना सुनते हैं और देखिए, आप लोग थोड़ा इनको सपोर्ट कीजिए और मेरे इस वीडियो को सपोर्ट कीजिए ताकि ये वीडियो वायरल हो। चलिए स्टार्ट कीजिए आप लोग। की बोला घर में चोरी भेलै हो भाई, 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 की बोला घर में चोरी भेलै हो भाई। पहले तो चोरी भेलै भांग के पोटरिया, भांग के पोटरिया हो भांग के पोटरिया, पहले तो चोरी भेलै भांग के पोटरिया, भांग के पोटरिया हो भांग के पोटरिया।
की झोलावा स हित ले लयो जाय, की झोलावा स हित ले लयो जाय, की भोला घर में चोरी भलयो भाई, की भोला घर में चोरी भलयो भाई। आप लोग का ये गाना किसी कोई मतलब YouTube पे लॉन्च हुआ है, डाले आप लोग? ये सॉन्ग आया हुआ है आयु फिल्म्स पे। अच्छा, चला है, कितना चला है अभी तो हमको नहीं मालूम, व्यू जाता है। चलिए ठीक है, आपके तो सारे वीडियो भी आता है। आप लोग अगर YouTube पे, इनका YouTube एक चैनल है, उसका नाम बताइए आप। मेरा YouTube पे चैनल है अंश बाबू एंटरटेनमेंट, आप फिर सब्सक्राइब करें। और BFTS म्यूजिक पे धमाल कॉमेडी स्टोरी आ रहा है, जो कि कुछ रिपोर्टिंग होगा, कुछ स्कूल वाला सॉन्ग आएगा, तो आप सभी देखते रहें BFTS म्यूजिक को सब्सक्राइब करें, और मेरे चैनल को अंश बाबू एंटरटेनमेंट को भी सब्सक्राइब करें। आप कौन से भोजपुरी फिल्म में जाने वाले हैं? आप, मैं वीडियो में शुरू में बताया था अपने ऑडियंस को कि आपको कोई शायद कोई ऑफर मिला हुआ है। हाँ, ऑफर मिला है स्टेज का। कौन दिया ऑफर? पवन सिंह जी दिए। तो स्टेज पर जाइएगा तो बोलिएगा फिल्मों में ले लीजिए। हाँ, ले सकते हैं ना। हाँ, उनका मन होगा तो। उनका भी गदर एक आया था फिल्म, और गदर में एक छोटे बच्चों को लिए थे, तो बोलिए कि हमें ले ले। उनका एक डायलॉग टू आएगा ना। हाँ, उनका एक डायलॉग है पवन सिंह जी का गदर में, जलते हुए दिए को प्रबाने क्या मुझाएंगे, और जो मुर्दों को नहीं जला पाते वो जिंदों को क्या जलाएंगे, मेरा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, और जिंदाबाद रहेगा। खेसारी लाल यादव का आता है कि नहीं मिमिक्री? मिमिक्री उनका नहीं आता है। चलिए, अभी आप पी स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, इतना तो आप सुना दिए, एक दो जानवर का आवाज सुना दी, तो पक्षी का फिर खत्म कर दे। जानवरों में डॉगी का, और डॉगी जब आपस में लड़ते हैं तो और डॉगी के बच्चे का, और डॉगी को जब कोई मारता है चोट लगता है तो, और इनके बाद सुनना चाहता हूँ बकरी का, बकरी का मेल, गांव में हम लोग बोका कहते हैं, तो बोका का आवाज सुनिए। बिल्ली का, बिल्ली रोती है तो कोयल का। हाँ, कोयल का। और कल रात को प्रोग्राम था दौसिंग सराय में, तो अभी आवाज भी लगा हुआ है इनका। अच्छा, रात को प्रोग्राम करके आए हैं और हम लोग को अपना इंटरव्यू दे रहे हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। और कुछ बोलिएगा तो बोल दीजिए। और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और वीडियो को शेयर करें, अपना आशीर्वाद प्यार दें। चलिए ठीक है दोस्तों, इनको सपोर्ट कीजिए, छोटे कलाकार हैं और ये इनके पास कलाकारी कूट कूट के बड़ा हुआ है। और ऐसे ही आप लोग मेरे चैनल पर वीडियो देखिएगा, उसके लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।